पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा इविलिस कैरी कार फ्रैंकलिन को मार देती है और टोनी स्टार्क को फ्रैंकलिन सामने दिख रहा होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि वो बस एक उसका इल्यूजन है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क सिंचन को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो एवेंजर्स से मदद मांगता है और वो उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि असल में फ्रैंकलिन की कार कोई भूत बन चुकी है, बट कोई भी एवेंजर्स की बात पर बिलीव नहीं करता, इसलिए वो अकेला सिंचन को बचाने निकल आता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन की इविलिस कैरी कार हल्क को बेहोश करके और फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को अपने आप से अटैच करके वहां से फरार हो जाती है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि इस कार का असली चेहरा वो सामने लेकर आए, और उस कार का असली चेहरा सामने आते ही वो कार सब पर अटैक करना शुरू हो जाती है। अब सब अवेंजर्स को पता चल जाता है कि असल में फ्रैंकलिन की कार कोई नॉर्मल कार नहीं, वो एक ईविल स्कैरी कार है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती है। टोनी स्टार्क अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस कार को खत्म करने की कोशिश करता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें टोनी स्टार्क नाकामयाब हो जाता है और उसके सूट की पावर भी जीरो हो जाती है। तो क्या आज टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन को, हल्क को और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अरे बाप रे, मैं तो नहीं जल्दी हार नहीं मान सकता गाइस, मेरा सूट पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उसकी पावर एकदम जीरो थी, मैं उसको बैकअप पावर पे चला रहा था और उसकी वजह से इसमें कुछ ऐसे डैमेजेस हो चुके हैं कि मैं इसको जल्दी रिपेयर भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मेरे जार्विस आयरन मैन के सूट, तू मेरा साथ छोड़ के नहीं जा सकता, हमें फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को और साथ साथ में हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ निकालना है। वो इस इविल स्कैरी कार ज्यादा दूर गई नहीं होगी, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पहले इस सूट को रिपेयर करना पड़ेगा। मेरे भाई फ्रैंकलिन, मैं तुझे बचा लूंगा, तू चिंता मत करना। टोनी, मेरे को बचा मेरे भाई, ये मुझे मार रही है। एक मिनट, नहीं ये नहीं हो सकता गाइस, ये क्या हो रहा है, फ्रैंकलिन तो मर चुका है, फिर फ्रैंकलिन यहाँ कैसे, फ्रैंकलिन तो तू सच में जिंदा है क्या? अरे टोनी, तुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर तूने मुझे नहीं बचाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। फ्रैंकलिन, मैं तुझे सच में बचा लूंगा मेरे भाई, बस तू एक सेकंड रुक जा। ओए मेरे दोस्त, फ्रैंकलिन से दूर रह, इविल स्कैरी कार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस आप लोग प्लीज फ्रैंकलिन के लिए जल्दी वीडियो लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, मुझे माफ कर दे मेरे भाई फ्रैंकलिन, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं ठीक से, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस इस कार के क्या हो गया है, ये कार तो एकदम नॉर्मल हुआ करती थी, ये रात को इतनी लाल और खूंखार क्यों बन जाती है, इसने मेरे भाई फ्रैंकलिन और मेरी पूरी फैमिली का पीछा क्यों घेर रखा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, निकल जा यहां से। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब, अब तो मैं फ्रैंकलिन को और साथ साथ में हमारे भाई हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क को सबको बचा के रहूंगा, और ये कार न जाने कितने मासूमों की जान ऑलरेडी ले चुकी है। ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन तू ठीक है? फ्रैंकलिन उठ तो सही मेरे भाई, फ्रैंकलिन प्लीज कुछ तो बोल। गाइस फ्रैंकलिन तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी तो कुछ टाइम पहले ये ठीक ठाक था, मतलब कम से कम थोड़ा बहुत चल तो पा रहा था। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तू कहाँ गया? नहीं 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 नहीं, ये कोई छलावा है गाइस, वो असली फ्रैंकलिन था ही नहीं, ये कार का, ये सब खेल इस कार का है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो गया गाइस, जिस कार को मैंने फ्रैंकलिन को गिफ्ट किया था। हाँ भाई फ्रैंकलिन, टोनी भैया बताइए ना, आज इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं आप? अरे पता चल जाएगा, एक बार फ्रैंकलिन गैराज खोल। अरे क्या फायदा इस गैराज का, कुछ रहता भी है? हाँ? अरे भाई ये क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई तेरी न्यू कार। व्हाट, मेरा तो बर्थडे भी नहीं है जो तू मुझे कार दे रहा है? अबे तुझे इतनी जरूरत थी, और सिंचन विंचन चौक को भी लिटरली में भाई डेली पैदल जाना पड़ा था स्कूल। अरे प्लीज यार, वो कार मेरे भाई फ्रैंकलिन को मुझे लौटा दे प्लीज, तो चाहे बदलत में मेरी सारी दौलत शोहरत ले ले, प्लीज फ्रैंकलिन को लौटा दे। और डॉक्टर स्ट्रेंज, ये क्या कर रही है? ओ भाई साहब, मेरे को लग रहा है गाइस ये मुझे मार के रहेगी। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक बार पता चल जाए कि इस कार की कमजोरी क्या है, एक एक इसके अंजर पंजर ढीले कर दूंगा, इसके पुर्जे पुर्जे निकाल दूंगा, जिससे कि किसी और को हर्ट ना कर पाए। अरे बाप रे गाइस, नहीं वो कार शायद मुझे अभी ढूंढ नहीं पा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो छुपा पड़ा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे छुप ही जाना चाहिए, क्योंकि इस कार ने मुझे दोबारा स्पॉट कर लिया तो ये मेरी अच्छी खासी बैंड बजा देगी। यार मेरा आयरन मैन का सूट भी तो उधर है, अगर मैं छुप गया तो मेरे आयरन मैन सूट की बैंड बजा देगी। गाइस एक काम करता हूँ, मैं सूट पहनकर क्यों यहाँ से निकल लूँ, लेकिन यार सूट में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैंने इसको पहना तो हो सकता है मुझे बिजली का शौक लग जाए। चलो मुझे कोई बात नहीं है, अगर मुझे बिजली का शौक लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ झेल लूंगा, पर मैं अपना सूट नहीं छोड़ सकता। बापरे ये तो आ रही है, अरे अरे नहीं 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 प्लीज मेरे को जाने दे। जार्विस, जार्विस को सुन रहे हो? गाइस यार जार्विस भी कुछ नहीं सुन रहा है, सूट की पावर एकदम डाउन है, जीरो पड़ा है सूट लिटरली में भाई। यहाँ पर बस ये छोटी मोटी सूट के अंदर लाइट ही चल सकती है, शुक्र है लाइट चल रही है, मुझे कम से कम दिख रहा है रास्ता के जाना कहां पर है, बहुत अंधेरा हो रहा है, वरना इधर भाग भाग टोनी भाग। अगर तुझे फ्रैंकलिन को, डॉक्टर स्ट्रेंज को, हल्क को इस कार से बचाना है तो जिंदा रहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं काफी दूर भाग आया हूं और यहां पर छुप चुका हूं, मेरे हिसाब से अब इतने बड़े शहर में कार मुझे ढूंढ नहीं पाएगी,
मुझे बस यहीं छुपे रहना होगा। अगर उस कार ने मुझे स्पॉट कर लिया तो मेरी अच्छी खासी बैंड बजा सकती है वो बहुत खतरनाक कार है। मैं बस यहीं पे छुपा रहूंगा। ऑल राइट गाइस, देखिए वो कार अभी भी मुझे ढूंढ ही रही है। आप सभी को कार दिख रही है क्या? अगर दिख रही है तो कॉमेंट में यस लिखो। बाकी मैं काम करता हूँ, क्यों ना फोन के कैमरे से चेक करूँ वो कार अभी क्या कर रही है। थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, उसकी नज़रें लिटरली में मेरी तरफ है। इसकी एक हेडलाइट जल रही है, एक नहीं शायद, लगता है इस कार की एक आंख काड़ी है और एक कार ठीक है। भाई साहब गई गई गई। अरे अरे ये तो यहीं पर रुक गई। अरे बाप रे ये यहाँ पर क्यों रुक गई? मुझे को समझ नहीं आ रहा है गाइस, इससे पहले कि ये मेरी तरफ ही आए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। भाग 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 टोनी भाग, पूरी स्पीड में भाग। फ्रैंकलिन मेरे भाई मैं तुझे बचा लूँगा, तू जहाँ पर भी है तू चिंता मत करना। ओके दोस्तों, अभी मैं उसी गुफा में आ गया हूँ जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने सिंचैन को बचाया होगा। आप सभी को तो याद ही होगा, मुझे जहाँ तक लगता है इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को, हल्क को और फ्रैंकलिन को भी इसी गुफा के अंदर रखा होगा, इसलिए मैं इस गुफा में आया हूँ। कोई तो मुझे यहाँ पे मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? अरे कुछ तो बोलो प्लीज, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। टोनी मुझे बचा। भाई तू मुझे बचा क्यों नहीं रहा है? वो मुझे बहुत जोर से तड़पा रही है, प्लीज मुझे बचा ले। फ्रैंकलिन क्या ये तू सच में है? फ्रैंकलिन गाइस क्या आपको फ्रैंकलिन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो प्लीज जल्दी कमेंट में यस लिखिए, मुझे यकीन नहीं होता। फ्रैंकलिन रुक जा, अगर तू सच में यहीं पर है तो मैं तेरे पैर छुटाता हूँ वहां से, उसके बाद मैं तुझे घर लेकर जाऊंगा, ऐसी जगह छुपाऊंगा उस कार का, उसका उसके कार का पूरा खानदान भी तुझे नहीं ढूंढ पाएगा। एक मिनट, ओ भाई साहब, टोनी टोनी प्लीज मुझे बचा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ये मुझे मार देगी। नहीं 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 नहीं, ये कहां से आ गई एक साथ से? ये तो शहर में थी। भाई साहब एक मिनट, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन वहां से हट जा, कार तेरे पीछे ही है। फ्रैंकलिन हट वहां से भाई, फ्रैंकलिन। अरे मार दिया मेरे को, नहीं फ्रैंकलिन ये नहीं हो सकता। कितनी बार मेरे भाई को तू मेरी नजरों के सामने मारेगी? इससे ज्यादा शर्मिंदा मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। मैं बार बार फ्रैंकलिन को तेरी वजह से खो देता हूं, मैं तुझे छोड़ू। कहां गई वो गाइस? वो कहां पर चले गई? पक्का इधर ही गई होगी, आगे से तो वो जा नहीं सकती, सामने से ही गई होगी, वो पीछे से नहीं जा सकती, इसलिए मैं सीधा आगे की तरफ चलता हूं। गाइस एक मिनट चल, अरे इसमें तो सिंचन मन था। एक मिनट अभी कौन है? मेरे को बचा। एक मिनट डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज रुक जा, मैं तुझे बचा लूंगा भाई। गाइस मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर निकालना पड़ेगा। चार्वेस यार प्लीज मेरे सूट को चार्ज कर, किसी तरह से मुझे पावर दे। ओके क्या बात है गाइस, वाह सूट में एनर्जी वापस आ गई है, बट थोड़ी बहुत ही है, इससे पहले कि सूट फिर से लो हो जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज चल चल चल, हम जल्दी से यहां से निकलते हैं। अरे टोनी तू बचाने आया कि मारने आया? सॉरी सॉरी डॉक्टर स्ट्रेंज, सूट बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओ भाई साहब लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो गया चोट लगने की वजह से। कोई नहीं, बस हम यहां से बाहर निकलने वाले हैं, मैं जल्दी जाता हूं, मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ही बताएगा कि असल में फ्रैंकलिन की रियल बॉडी और साथ साथ में हल्क है कहां पर। हो सकता है जो फ्रैंकलिन हम लोगों को दिख रहा हो वो असल में कोई छलावा हो, वो बस मेरे मन की कोई कहानी हो जो मुझे यहां पर बार बार दिखे जा रही है। ऑलराइट अवेंजर्स कहां पर हो तुम लोग? गाइस सिंचन में चॉप, स्पाइडी और थॉर को मैं यहीं छोड़ के गया था, कहां गए ये? अरे ये क्या पूरा घर खाली पड़ा है? एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज को मैं बचाने गया और वो कार यहाँ पर सिंचन बिचन चौपर और स्पाइडी को ले गई हो? अबे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार तुम लोग कहाँ पर हो? अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया कहाँ है? एक मिनट सिंचन की आवाज़ तो आ रही है लेकिन फ्रैंकलिन ग्रेव भी खाली है। अरे वो रे, ओ भाई साहब, अबे तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? अरे टोनी सर हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, फ्रैंकलिन को ढूंढ रहे हैं। तुम लोग ठीक तो हो? भाई हमारा कलवा कहाँ पर गया और इस डॉक्टर स्ट्रेंज को क्या हो गया? हमें सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाना पड़ेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बता पाएगा कि असल में फ्रैंकलिन और साथ साथ में हल्क को उस बेकार सी कार ने कहाँ रख रहा है। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आ चुका है। अरे टोनी आज के बाद अगर मदद करने आए तो सूट में मत आना, कम से कम सेफ्टी वाली कार या एरोप्लेन में आना। अच्छी कहां सी बैंड बजा दी तूने मेरे? एक मिनट फ्रैंकलिन कहां पर गया? मैंने फ्रैंकलिन को देखा था, वो कार फ्रैंकलिन को तड़पा रही थी। क्या क्या फ्रैंकलिन जिंदा है क्या? वो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो फ्रैंकलिन ना हो कोई और हो, लेकिन इतनी बात जरूर है वो कार के बहुत ही खतरनाक निशाने हैं, वो हम सबको मारना चाहती है, वो एक एक करके हमको पकड़ेगी, इसलिए हमें साथ रहना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर से फिलहाल प्लीज जल्दी अपने जादू का इस्तेमाल करके ये बताना कि असल में फ्रैंकलिन और हल्क को उस कार की बच्ची ने कहां पर रखा है। ठीक है मैं अपना जादू इस्तेमाल करके अभी पता करता हूं। अब्राकडाब्रा चीजी मांगू पावड़ा शुरू हो जाओ। अरे मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। गाइस प्लीज जल्दी से कमेंट में एक बॉम्ब वाला इमोजी और हार्ट वाला इमोजी स्पैम कीजिए, उससे डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में एनर्जी आएगी और हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज भी बॉम्ब की तरह काम करेगा, ऐसे जोर से धमाका करेगा कि हमें पता चल जाएगा कि असल में फ्रैंकलिन और हल्क कहां पर है। अरे वाह 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 काम कर गया टोनी, मेरी बात सुन, इस पोर्टल के जरिए जल्दी जा और जहां पर भी पोर्टल लेके जाएगा वहीं कहीं फ्रैंकलिन या फिर हल्क में से कोई तुझे मिल जाएगा। तू सच बोल रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज? अगर ये बात सच है तो गाइस चलिए इस पोर्टल में चलते हैं। फ्रैंकलिन हल्क
मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, उस कार का पर्दाफा। अरे 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 कोई बच्चा, अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे भाई साहब, डॉक्टर स्ट्रेंज कभी ठीक से लैंडिंग नहीं करा सकता, मैं उम्मीद करता हूँ उसने मुझे बस सही जगह भेजा हो। ये वाली जगह तो गाइस, एक मिनट, ये तो लॉस सैंटोस से बाहर का एरिया, सैनएंड्रियास वाला एरिया है, और आसपास यहाँ पर एयरपोर्ट भी है पुराना वाला, आई थिंक मुझे वहीं पर जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पुराने वाले एयरपोर्ट के वेयरहाउस में किसी को रखा गया हो। अरे हल्क को बचाओ, हल्क, अरे मुझे हल्क, हल्क मैं तेरे को बचा लूंगा। ओ भाई साहब ये क्या, ये ब्लास्ट कहाँ से आ गया, हल्क हल्क को बचाओ, ये हल्क को मार देगी, ये कार बहुत स्कैरी है, बचाओ हल्क, मैं तुझे बचा लूंगा भाई, मैं आ रहा हूँ हल्क। ओ माय गॉड, ये क्या गाइस, इतनी जोर से बॉम्ब फटे थे कि मैं सीधा बेहोश हो गया था, और अभी जाके उठ रहा हूँ मैं, यार ये कहाँ पर आ गया मैं। एक मिनट, मैं तो किसी तरह के वेयरहाउस में बंद हूँ, और ये तो काफी पुराना वेयरहाउस है। ओए मुझे किसने बंद किया यहाँ पर, ए मुझे बाहर निकालो। ओ भाई साहब ये वेयरहाउस तो असल में कबाड़ खाने के पास वाला है, जहाँ पर टूटे फूटे एरोप्लेन्स और सामान, गाड़ियों के सामान मिलते हैं। एक मिनट, अरे लाल वाली कार, ये एक मिनट, ये इधर क्या कर रही है, और दिन में भी इसका कार का कलर लाल है, गाइस लगता है इसकी शक्तियाँ टाइम के साथ बढ़ती जा रही हैं। ओए मुझे बाहर निकाल, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, मुझे बाहर निकाल अभी के अभी। गाइस क्या कर रही है अभी, क्या कर रही है ये, नहीं 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 नहीं, ओए ओए हेलो, मुझसे दूर रह वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा मैं। भाई साहब एक मिनट, ये तो चली गई सच में, लेकिन ये जाग आ रही है, नहीं कहीं ये फ्रैंकलिन या फिर हल्क को टॉर्चर करने तो नहीं जा रही है, या फिर ये एवेंजर्स के मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर शिनचैन, अरे यार उन लोगों के पास ना पहुंच जाए। गाइस कुछ भी करके मुझे ऐसे बाहर निकलना होगा। चार्विस मुझे मेरे सूट की पावर चाहिए। गाइस क्या करूं, मुझे अपने सूट को यहां पर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, चार्ज कैसे करूं। एक मिनट, यहाँ पर कोई तो ऐसा सामान होगा जिसके इस्तेमाल से या तो मैं जाल को तोड़ दूं या फिर मैं सूट को चार्ज करके यहाँ से बाहर निकल जाऊं। एक मिनट, यहाँ पर गाइस एक रूम है, टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों को शायद यहाँ पर रिपेयर किया जाता होगा, बट रिपेयर करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हो सकता है आसपास मुझे कोई छोटा ट्रांसफार्मर और मिल गया। गाइस देखिए, बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। गाइस बस मुझे इस ट्रांसफार्मर को किसी तरह से एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसके बाद मेरा सूट यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। अरे बाप रे, इसके ऊपर चढ़ने से कुछ होगा क्या, यहाँ पर तो मैं चढ़ गया, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। गाइस मुझे आप सभी की मदद चाहिए, ये ट्रांसफार्मर एक्टिवेट करने के लिए जल्दी से प्लीज फायर वाला इमोजी स्पैम कीजिए कमेंट में, जिससे कि मैं इस ट्रांसफार्मर को सच में एक्टिवेट कर पाऊँ अपने सुपर फायर टैक से, उसके बाद ये मेरे को चार्ज कर पाएगा। प्लीज जल्दी, करंट लग रहा है गाइस, लगता है काम कर रहा है। अरे वाह, अरे वाह गाइस देखिए, वो करंट लगने की वजह से मेरा सूट ओवरचार्ज हो गया, अच्छी बात है, अब मेरा सूट काफी टाइम तक चार्ज रहेगा। अब मैं अच्छे से अपने सूट की सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके इस जाल को चूर चूर कर दूंगा अभी के अभी। कमॉन 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 भाई टूट जा, अरे यार ये जाल तो टूटने का नाम ले रहा है, ये ले सुपर फायर मिसाइल अटैक। ऑल राइट जाल टूट गया, अब बस मुझे जल्दी से यहाँ पर फ्रैंकलिन को, नहीं एक मिनट, मैं सबसे पहले उस जगह पर जाता हूँ मैंने जहाँ पर लास्ट टाइम फ्रैंकलिन नहीं हल्क की आवाज़ सुनी थी, हल्क मदद मांग रहा था, वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, रात का टाइम था, मैं सही से पता नहीं कर पाया था, ना ही मेरा सूट काम कर रहा था। हल्क, अरे हल्क को बचाओ, हल्क के साथ तू क्या करना चाहती है, कम से कम हल्क की भाषा में तो बोल, हल्क को क्यों टॉर्चर कर रही है। भाई साहब ये कार तो लिटरली में यहाँ पर मेरे भाई हल्क को टॉर्चर कर रही है। ओ माय गॉड गाइस, हल्क अभी पूरा फायर में लगा पड़ा है भाई, उसकी पूरी बॉडी पे आग लगी पड़ी है। मुझे इस कार के जाने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने इंटरप्ट किया तो ये कार इतनी ज़्यादा पावरफुल तो हो ही चुकी है कि मैं इसको हरा तो नहीं पाऊंगा, ऊपर से हल्क की जान को खतरे में और डाल दूंगा। गाइस बहुत टाइम हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कार यहाँ से कब जाएगी, वैसे रात हो गई है, रात को आप जानते ही अपने शिकार पर निकलती है, अब पक्का ये जाएगी। हल्क को तड़पा रही है, हल्क को छोड़ दे, हल्क ने तेरा क्या बिगाड़ा है। गाइस देखिए गई, और गई गई ये कार गई। गाइस बस अब इस कार को जाने दो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जिन हाथों से मैंने फ्रैंकलिन को अपनी अपनी कार दी थी भाई, आज फ्रैंकलिन की जान उस कार की वजह से गई है, मैं इस कार को छोड़ूंगा नहीं। हल्क मेरे भाई कहां पर हो रहा, हल्क हल्क में आ गया। अरे टोनी तू इतने इतना टाइम क्यों लगा दिया, हल्क कब से यहां तड़प रहा है, मुझे माफ कर दे हल्क, अगर मैं पहले आ जाता तो वो कार तुझे छोड़ती नहीं। पहले ये बता फ्रैंकलिन का क्या हुआ। फ्रैंकलिन एक मिनट, मैं तो तुझसे पूछने वाला था फ्रैंकलिन कहां पर है, हल्क को नहीं पता, हल्क खुद नहीं जानता कि फ्रैंकलिन कहां पर है। नहीं ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तू एक काम कर मेरे साथ अभी के अभी चल, पहले हम अवेंजर्स के पास चलते हैं और जाकर हम साथ में कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे उस कार को पकड़ के उससे पता
पता लगा सकें कि असल में फ्रैंकलिन को उसने कहां पर छुपा रखा है। उसके बाद गाइस उस कार की खैर नहीं, बिल्कुल सही कहा, हल्क तेरे साथ है, लेकिन वो कार गई कहां पर होगी यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस बारे में। हल्क को तो लगता है उसको भूख लगी होगी, वो किसी को खाने गई है। अरे हल्क भाई ऐसी बातें मत कर। अरे यार अभी तक टोनी सर वापस नहीं आया। बिल्कुल सही कहा, रात से दिन और दिन से रात हो गई, हमको भी चलना चाहिए क्या? मुझे भी लगता है हमें भी चलना चाहिए। वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक मिनट, ये किसके कार की हॉर्न की आवाज़ आ रही है इतनी रात में? अरे बाप रे, ये तो उस फ्रैंकलिन की कार की आवाज़ है। हे, हमारे फेंकी भैया की कार इतनी बुरी नहीं है, वो बुरी कार हमारे फेंकी भैया की हो ही नहीं सकती। एक मिनट, अरे ये तो सच में यहीं पे आ गई। अरे बाप रे, इसने तो पोर्टल भी खत्म कर दिया, अब यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते। अरे तो किस बात का जीरे, यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। भाई ये तो हमारी बैड वायर आई है, लगता है जैसे हल्क को लेके गई थी फ्रैंकलिन को, अभी हमें ले जाने आई है। अरे बिल्कुल सही कहा, अरे कोई हमें बचाओ, ये कार तो हमको मार देगी। ओए मुझे डर लग रहा है। ओ प्लीज कार जी, हमने आपको क्या बिगाड़ा है, आप हमें क्यों मारना चाहती है? मैं तेरे पे जादू मंत्र पोख दूंगा, तूने मेरे को ऑलरेडी एक बार पकड़ लिया है, मैं तो सड़ता नहीं हूँ कार की बच्चे। अरे बाप रे हल्क, इतनी देर से भूखा है, तू चिंता मत कर, तुझे खाना खाने मिल जाएगा। एक मिनट यार, वो रहा घर, यार मैं तुम्हें बार बार घर बुलाता हूँ। अवेंजर्स देखो मैं, एक मिनट, व्हाट, ये क्या चल रहा है? ओ भाई साहब, ये कार यहाँ क्या कर रही है, और एक साथ से ये यहाँ पर इतना ज्यादा रोशनी कैसे हो गई? अभी तो रात थी। पेंशन सिंचन चॉप, अबे ये क्या हो गया? टोनी सर इसने सबको मार दिया। नहीं 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 नहीं, एक दोस्त को बचाने के चक्कर में मैंने और दोस्तों को खो दिया। मैंने सोचा था इस कार को चकमा दे रहा हूँ, चकमा तो इसने दिया है भाई। हल्क को बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, यहाँ पर किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब ये कार जबकि हमारे कंट्रोल में आ गई है, मेरा सूट काफी ज्यादा अभी भी चार्ज है, मैं इस लिटरली मैं कार की इतनी बैंड बजाऊंगा कि ये खुद से खुद मुझे फ्रैंकलिन का पता बताएगी। बता मेरे फ्रैंकलिन को तूने क्या किया? बिल्कुल सही कहा, पूछ टोनी से पूछ। अरे बाप रे गाइस, ये कार तो हिलने का नाम नहीं ले रही है। गाइस आप लोग अगर फ्रैंकलिन से प्यार करते हैं तो कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना, आई लव यू फ्रैंकलिन जरूर लिखना, जिससे कि इस कार को पता लग पाए कि ये कितना ज्यादा चाल है, हमारे फ्रैंकलिन को हमसे छीन नहीं पाएगी। ये क्या हुआ, एक साथ से इसके पास पावर कहां से आई? लगता है टोनी तेरे सूट की पावर इसने कॉपी कर ली। सिर्फ कॉपी नहीं, अपग्रेड किया भाई, इसने मेरे आयरन लेजर को लिटरली मैं यहाँ पे सन लेजर बना के मेरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अरे टोनी सर अब क्या करें, ये तो बहुत खतरनाक हो गई। ओ नो 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 नो, मेरा सूट कहाँ पर गया? अरे बाप रे जावेस, मेरा सूट, अरे नहीं 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 नहीं, अब तो ये अवेंजर्स के यहाँ से ले जाएगी। अवेंजर्स मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से भागना। एक मिनट, व्हाट, ये क्या कर रही है? ओ भाई साहब ये कहाँ पर गई? चलो शुक्र है कम से कम यहाँ से चली तो गई यार ये कार, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सारे अवेंजर्स तो है ना, मुझे देखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, ऑल राइट, सिंचन भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज चल रही है, पिंचन भी है, पर चॉप कहाँ पर है? अरे बाप रे टोनी क्या हुआ था? अरे याद आया, यहाँ तो बहुत कुछ हो चुका होगा। बिल्कुल सही कहा यार, वो पता नहीं इस बार किसको ले गई। सिंचन तो यही है, पिंचन भी यही है, स्पाइडरमैन कहाँ पर है, हल्क कहाँ पर है? वो लोग भी यही थे, शायद आसपास ही पड़े होंगे। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इन लोगों को जिंदा करने की और ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं सिंचन बच जाए, पिंचन बच जाए, तो प्लीज लाइक वाला इमोजी स्पैम कीजिए कॉमेंट में, और ये स्माइल वाला इमोजी भी, जिससे हमारा सिंचन और पिंचन दोनों अपनी जिंदगी वापस से जी पाए। फिलहाल मुझे नहीं लगता है बच पाएंगे, ये बचेंगे, हम सब इनके साथ हैं। अरे बाप रे, मेरी सांसी फिर से चलने लगी। वाह, मैंने सिंचन को तो बचा लिया, पिंचन को और बचाना है। लेकिन उस कार का क्या? तू एक काम कर टोनी, जितने मैं पिंचन स्पाइडरमैन और हल्क को हील करता हूँ, तू जा जल्दी से और कार का पीछा कर, वो भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सिंह, ये ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं वापस आऊंगा। अगर वो कार यहाँ वापस आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जावेस मुझे मेरा आयरन का सूट पहनाओ। ओके सर, ये लीजिए फाइनली गाइस, अब बस मेरा सूट यहाँ पर आ गया है मेरे पास, अब मैं जल्द से जल्द अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और इस बार उस कार को छोड़ूंगा नहीं। एक बार तो उसने मुझे चकमा दे दिया, एक बात मुझे समझ आ गई, वो कार मेरी पावर्स को कॉपी कर सकती है, तो इसलिए मुझे हिसाब से अपनी पावर्स को यूज करना होगा, वरना वो मेरी पावर को, अरे अरे नहीं, ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, एक सांस, ये क्या हो गया? मेरे सूट में अभी काफी ज्यादा एनर्जी थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सूट से एनर्जी बाहर निकाल ली। ये पक्का उस इविल स्कैरी कार का काम होगा, वो तभी यहाँ पर ऐसे उड़ के गई थी जैसे मेरा आयरन मैन का सूट उड़ता है, अब वो भी उड़ सकती है। नहीं यार गाइस, मुझे नया आयरन मैन का सूट चाहिए, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अगर मैं सूट को दोबारा रिपेयर करने लगा तो महीनों बीत जाएंगे, और फ्रैंकलिन की जान बचाना और अपने पूरे परिवार की जान बचाना मुझे अभी के लिए ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर किसी की कोई कार या बाइक मिल जाए, एक मिनट, वहाँ पर कोई बाइक है, मैं बस उम्मीद करता हूँ ये जिसकी बाइक है
उस इंसान को ज्यादा बुरा ना लगे क्योंकि फिलहाल मुझे इस बाइक की जरूरत है। हेलो भाई, कोई है यहाँ पर? गाइस यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ भाई साहब, इस कार में तो आग लग रही है। अरे बाप रे, कैसी बाइक है? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से इस बाइक को लेके चलता हूँ स्टार्क मेंशन और वहाँ पर अपना कोई पुराना सूट या फिर कोई बढ़िया सा सूट लेके चलता हूँ और सीधा उस कार की बैंड बजाऊंगा। इस बार मैं उसको मौका नहीं दूंगा अपनी सुपर पावर्स को कॉपी करने का। मैं इस बार बहुत सावधानी से यहाँ पे लड़ने वाला हूँ। चलो चलो, जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। कमॉन कमॉन, खुल जाओ गेट। ऑलराइट दोस्तों, बस कुछ टाइम और, उसके बाद हम फ्रैंकलिन को वापस से देख पाएंगे, उससे बातें कर पाएंगे। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है स्टार्क मेंशन में ऑलरेडी कोई है? क्योंकि और बाप रे, ये तो ये विलिस कैरी कार है और ये ऐसे मुंह उठा के क्यों खड़ी है? ऐसा लगता है जैसे गाइस ये किसी की तरफ देखकर उससे बातें कर रही हो, बट मुझे तो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट, वो कौन है? वो तो जाना पहचाना सा लग रहा है जो फर्श पे लेटा है। अरे वो तो फ्रैंकलिन है गाइस, शायद गाइस वो फ्रैंकलिन ही है क्या? हाँ, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, आप लोग ड्रोन से चेक करके दिखा रहा हूँ मैं, आप देखो जल्दी से, फ्रैंकलिन ही है क्या? अरे बाप रे, तो फ्रैंकलिन ही है। हाँ गाइस, आप लोग यस लिखो अगर आपको लग रहा है वो फ्रैंकलिन ही है। मेरे को फ्रैंकलिन से कैसे बचाऊँ? ये करना की चाहती है फ्रैंकलिन के साथ? एक मिनट, ये क्या, ये कार तो घूम रही है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये कार असल में करना क्या चाह रही है? गाइस क्या मैं इस कार को इंटरप्ट करूँ बीच में जाके? बट भाई मेरे पास तो मेरे सूट की पावर भी नहीं है। एक मिनट, व्हाट, अब ये क्या होने लग रहा है? एक मिनट, कहिए मेरे भाई फ्रैंकलिन की बॉडी को जला तो नहीं रही है जिससे कि मैं फ्रैंकलिन को वापस जिंदा नहीं कर पाऊँ? नहीं नहीं नहीं, फिर तो मुझे फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी गाइस। लेकिन मैं फ्रैंकलिन को कैसे बचाऊँ यार? मेरे पास तो कोई सुपर पावर नहीं है। फ्रैंकलिन उठ जा मेरे भाई, वो कार तुझे मुझे हमेशा दूर करने वाली है भाई, उठ जा तू। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? गाइस क्या करूँ मैं, कैसे रोकूँ ये सब? गाइस मैं काम करता हूँ, मैं ना जाके इस कार पे घूंसे लात बजाता हूँ, क्या पता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसका ये जादू खत्म हो जाए। एक मिनट, व्हाट, ये आग कोई जलने वाली आग नहीं है गाइस, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। फ्रैंकलिन की आंखें घूम रही है। ओ भाई साहब, इसका मुंह भी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फ्रैंकलिन लगता है गाइस फ्रैंकलिन जिंदा हो रहा है। वाह, ये कार जिंदा कर रही है मेरे भाई फ्रैंकलिन को। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, चल चल मैं तुझे यहाँ से लेके चलता हूँ। चल मेरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, तू बस थोड़ा सा आराम कर, अभी ज्यादा हिल ढुल मत मेरे भाई, शायद गाइस हम फ्रैंकलिन को बचा सकते हैं। गाइस क्या बात है, पर एक मिनट गाइस, वो कार फ्रैंकलिन को, अगर उसको जिंदा ही करना था फ्रैंकलिन, तो उसने मारा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे भाई फ्रैंकलिन पर कोई वो काला जादू करना चाह रही हो? अगर वो ऐसा कुछ करना चाह रही है तो मैं उसके सारे प्लान्स को नाकामयाब कर दूंगा। आया तो मैं यहाँ पर आयरन का सूट लेने था, बट अब जबकि फ्रैंकलिन की बॉडी मुझे यहाँ मिल गई है, तो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फ्रैंकलिन की बॉडी को वहां लेकर चलता है। अगर फ्रैंकलिन के ऊपर कोई काला जादू है तो उसको हम हटवाएंगे, फ्रैंकलिन को जिंदा करके भाई मैं फ्रैंकलिन को लिटरली में प्रोटेक्ट करूंगा और उस कार की बैंड बजा दूंगा। गाइस क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकलिन मुझे मिल जाएगा इतनी जल्दी। मेरे भाई फ्रैंकलिन, एक मिनट, ओ नो ओ नो नो नो, ये तो सामने आ गई। ओए सामने से हट जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस एक मिनट भाई साहब, इसका डोर क्यों खुला? ऐसा लगा जैसे इसमें कोई बैठा, बट इस कार के अंदर लिटरली में कोई नहीं है। आप चाहो तो जूम करके देख सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ये कार काम कैसे करती है भाई? ये कुछ बोलती भी नहीं है, बस मारती है, और इसके पास पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटीज आ चुकी हैं। ये तो मेरा, अरे बाप रे, ऑफिसर मुझे बचाइए। अरे बरकरदार, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है और हमसे बोल रहा है कि हम तुझे बचाएं। अरे बाप रे, पुलिस वाला भी पागल है, मेरी मदद नहीं कर रहा है, उल्टा मेरे पीछे पड़ रहा है। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर पूरी स्पीड में जाऊँगा। अरे बाप रे यार, उस कार के चक्कर में मैं बाइक भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी दूरी और, मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन घर पे एक बार पहुंच जाऊं, हम उसके बाद फ्रैंकलिन को यहाँ पर जिंदा कर लेंगे। फ्रैंकलिन मेरे भाई, तो चिंता मत कर, लगता है गाइस फ्रैंकलिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया है, बट कोई बात नहीं है, हम इसको अच्छे से यहाँ पर एनर्जी देंगे, उसके बाद इसको होश में ले आएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोरा डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे बाप रे टोनी, तू आ गया, मैं तुझसे बोल रहा था। आ, ये क्या, अरे तू तो फ्रैंकलिन को ले आया। अरे बिल्कुल, फ्रैंकलिन हमारा बच गया, मतलब बच सकता है, हम इसको बचा सकते हैं। चल भाई फ्रैंकलिन, जल्दी चल। हाँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज, तू क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं, वो बाद में करूंगा, पहले ये बता, ये फ्रैंकलिन को तू इसी हालत में क्यों लेकर आया है? फ्रैंकलिन जिंदा है क्या? वो मुझे नहीं पता, पर मैंने लिटरली में फ्रैंकलिन की आंखें घूमती हुई देखी थी और उसका मुंह भी खुलता हुआ देखा था। इवन वो थोड़ा कुछ बोला भी था। मेरे को लगता है फिर से वो तेरे मन का धोखा होगा। नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ ना, उस कार ने, उस लाल वाली कार ने, इविल स्कैरी कार ने फ्रैंकलिन की बॉडी के ऊपर कोई काला जादू किया था, कुछ ब्लैक टाइप की फ्लेम थी वो। क्या, अरे बाप रे, मैं यकीन नहीं करता। गाइस आप लोग प्लीज कॉमेंट में जल्दी यस लिखिए, डॉक्टर स्ट्रेंज को लग रहा है मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ, लिटरली में मैंने होते हुए देखा है, सिर्फ मैंने नहीं हमारे सारे दोस्तों ने देखा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी अंतर्यामी ताकत का इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। अगर
सच में फ्रैंकलिन की बॉडी के अंदर उसकी आत्मा अभी भी है, तो मैं उसको जागरूक करता हूँ। आबरा खटाबरा टिटी वारो पावड़ा, बच्चे फ्रैंकलिन उठ जा, हमें तेरी जरूरत है। फ्रैंकलिन उठ जा। ओरे डॉक्टर सिंह, ये आ रहा है, ये तो हीलिंग करने वाला काला धुआं है। चिंता मत करो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फ्रैंकलिन जिंदा हो सकता है। बस उम्मीद है कि फ्रैंकलिन की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर हो, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल बिना आत्मा के किया जाए तो बॉडी जल भी सकती है। ओ तो फिर तो फ्रैंकलिन की बॉडी नहीं जली, इसका मतलब ये जिंदा हो सकता है। बिल्कुल जिंदा हो सकता है, अगर इसकी आत्मा उसकी बॉडी के अंदर है तो। अरे बाप रे गाइस, उम्मीद करता हूँ फ्रैंकलिन की आत्मा उसकी बॉडी के ही अंदर हो और हमारे फ्रैंकलिन की बॉडी जलने की बजाय जिंदा। अरे फ्रैंकलिन, अरे वाह क्या बात है, फ्रैंकलिन के हाथ में ये एक कहाँ से आ गई भाई। लेकिन कुछ भी हो, फ्रैंकलिन मेरे भाई, फ्रैंकलिन तो जिंदा है, फ्रैंकलिन तो सच में जिंदा है यार। अरे वाह डॉक्टर स्ट्रेंज, यार तूने तो चमत्कार कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसकी आत्मा को जागरूक कर दिया है। अरे मेरे भाई फ्रैंकलिन, तुझे बहुत कुछ बताना है। यहाँ पर तुझे पता है हल्क, पिंचन, सिंचन सबकी जान खतरे में डाल दी थी उस इविल स्कैरी कार ने, जब से तुझे मुझसे छीन लिया। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये तू ऐसे देख क्यों रहा है हमें? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों नाच रहा है तू? हाँ अभी बताता हूँ तेरे को बेटा मैं। ये ले फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहा है तू? अरे बाप रे फ्रैंकलिन, अपने आप को संभाल, तू हमें क्यों भाई क्यों मार रहा है? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, जल्दी बताओ मेरा मालिक कहाँ पर है? कौन मालिक? फ्रैंकलिन क्या हो गया दिया? फ्रैंकलिन सुन, फ्रैंकलिन नहीं, मुझे मत मार प्लीज। गाइस फ्रैंकलिन को समझाओ ना, हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। गाइस कमेंट में बताइए ना जल्दी से फ्रैंकलिन को, फ्रैंकलिन अरे याद करने की कोशिश कर, मैं तेरा दोस्त हूँ। और एक मिनट, अगर तुझे याद भी नहीं है कि मैं कौन हूँ तो मुझे मार क्यों रहा है? कम से कम इतना तो बता दे प्लीज फ्रैंकलिन। तू भी लिटरली मैं उस कार की तरह कुछ नहीं बोल रहा है। फ्रैंकलिन मुझे मजबूर मत कर, मुझे मजबूरन तुझे पीटना पड़ेगा और तुझे बांधना पड़ेगा किसी चीज़ से, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। जल्दी बता तो मुझे यहाँ पर इस तरह से मार क्यों रहा है? जल्दी बता मेरा मालिक कहाँ पर है? तेरा मालिक कौन मालिक? कम से कम उसका नाम तो बताएगा। मैं तुझे अपने मालिक का नाम क्यों बताऊँ? तूने जिससे मुझे छीना है वही मेरा मालिक है। एक मिनट, तू उस इविल स्कैरी कार की बातें तो नहीं कर रहा है? एक मिनट, तू मेरे मालिक को इविल स्कैरी कार में से बुलाता है? अबे 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 फ्रैंकलिन तू पागल हो गया है क्या? उस कार ने तुझे मुझसे छीन लिया, हल्क को छीन लिया, उसने सबको छीन लिया और तू उसको अपना मालिक बता रहा है? लिटरली मैं गाइस ये पागल हो गया है फ्रैंकलिन भाई, यूं मार रहा है और इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? एक किक में, एक पंच में कोई किसी को इतनी दूर कैसे फेंक सकता है? किसी को नहीं छोड़ूंगा, जल्दी मुझे मेरे मालिक का पता बताओ, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सबकी बैंड बजा दूंगा मैं। फ्रैंकलिन सुन तो, अरे बाप रे मेरी हड्डी पसली एक कर दी उस फ्रैंकलिन ने। ओह माय गॉड, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है यार? जब भी मैं सोचता हूँ चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बुरा हो जाता है। फ्रैंकलिन मुझसे और दूर होता जा रहा है। फ्रैंकलिन रुक, मैं आ रहा हूँ। फ्रैंकलिन मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। गाइस उस कार ने पक्का फ्रैंकलिन के मन पे, एक मिनट, वो काला जादू हाँ, जिस वजह से फ्रैंकलिन वापस जिंदा हो पाया, शायद उसी की वजह से फ्रैंकलिन ऐसा बन पाया है। अरे बाप रे एक मिनट, अरे बाप रे ये एक सांस इतनी तेजी से कहाँ से आई? नहीं, कहीं छुपना पड़ेगा मेरे को, छुपना पड़ेगा। कहाँ छुपूँ? यहाँ छुप जाता हूँ। अगर मेरे को इसने पकड़ लिया तो मेरे को छोड़ेगी नहीं। गाइस इस कार के क्या प्लान्स हैं? इसने मारे भाई फ्रैंकलिन को मुझसे क्यों छीन लिया यार? फ्रैंकलिन के साथ क्या कर दिया उसने? देखिए, अरे मेरे भाई, मेरे मालिक, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? चिंता मत कीजिए, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा। आप बताइए मुझे किसको पकड़ना है? एक मिनट, फ्रैंकलिन से बातें कर रहा है, बट मुझे तो नहीं लग रहा वो कार से बातें कर रही है। एक मिनट, फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है तू? अरे फ्रैंकलिन सुन तो, फ्रैंकलिन। ओ भाई साहब, आप अच्छा समझ गया, आप मुझे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वो लोग दुश्मन है और हम उनके बीच बात नहीं कर सकते। आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगा। अरे फ्रैंकलिन सुन तो, गाइस वो कार बहुत समझदार है, वो उसको लेकर गई है क्योंकि उसको पता है मैं उसकी बातें सुन रहा था। यार डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ पर है? डॉक्टर स्ट्रेंज को लास्ट टाइम कहाँ पर फेंका था? शायद यहीं पे इस पड़ोसी के घर में फेंका था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है भाई तू? डॉक्टर स्ट्रेंज, ओ माय गॉड, नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज तो मर नहीं सकता, कम से कम ऐसे समय पर तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तेरी जरूरत है मेरे भाई, वापस आ प्लीज। गाइस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा करना पड़ेगा, प्लीज आप जल्दी से कमेंट में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हार्ट के इमोजी स्पैम कीजिए, हमें फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा। वो कार फ्रैंकलिन को क्यों जिंदा की तो कम से कम उसने लिटरली में फ्रैंकलिन को अपना गुलाम क्यों बना लिया? और ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज, तू जिंदा हो गया क्या? टोनी बार बार मेरे को क्यों जिंदा कर रहा है मरवाने के लिए? फ्रैंकलिन ने क्यों मारा मुझे? मैंने देखा वो उस इविल स्कैरी कार को अपना मालिक बोल रहा है। व्हाट आर यू, तू पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं, पागल फ्रैंकलिन हो गया है। पहले कम से कम ये तो पता डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या फ्रैंकलिन को ठीक किया जा सकता है? ये तो हमें ये पता लगाने के बाद ही करना होगा कि फ्रैंकलिन असल में ऐसा कर क्यों रहा है। मैं काम करता हूँ, सबसे जल्दी जाके ये पता करता हूँ कि असल में उस कार के प्लान क्या है, वो चाहती क्या है, वो फ्रैंकलिन से क्या करवाना चाहती है। चावेस मेरा सूट। अरे यार
जार्विस ने सूट तो नहीं दिया पर कम से कम ये कार मतलब सॉरी बाइक मुझे मिल गई है। गाइस मैं पूरी स्पीड में अभी के अभी ना फ्रैंकलिन का पीछा करने निकल रहा हूँ। मैं पता करके रहूंगा कि फ्रैंकलिन असल में लिटरली मैं उस इविल स्कैरी कार के साथ मिलकर क्या करने वाला है। आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से कॉमेंट में पार्ट 4 लिख दीजिए, जल्दी से इस वीडियो पे 500 कॉमेंट कंप्लीट कीजिए, जल्दी से पार्ट 4, मैं जल्दी वापस लौटूंगा।